नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 20 यानी कार्यपत्रक संख्या 20 को। यह हमारी 23 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में एक बार फिर से हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। अपठित गद्यांश मतलब वो गद्यांश जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। आज का गद्यांश काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे चरित्र की, बात करेंगे श्रेष्ठता की, बात करेंगे व्यवहार की और कर्मों की। कोई भी मनुष्य वो श्रेष्ठ अपने कर्मों से बनता, न कि उससे कि वो दिखता कैसे है। वैसे भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ईश्वर है वो चित्र में नहीं बल्कि चरित्र में बसता है। हमारा चरित्र कैसा है वो हमारे साथ चलता है, उसी के आधार पे हमारे कर्म तय होते हैं, उसी के आधार पे ऊपर वाला ईश्वर हमें देखता है। जो लोग आपके साथ रहेंगे, जीवन भर साथ रहेंगे, वो इस आधार पे नहीं रहेंगे कि आप कितने स्मार्ट दिखते हो, आप सूट बूट पहनते हो या नहीं पहनते हो। वो इस आधार पे आपका साथ देते हैं कि आप अंदर से कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है। और ऐसे ही जो मनुष्य होते हैं वो श्रेष्ठ जो बनते हैं, वो श्रेष्ठ इस आधार पे कभी नहीं बनते कि वो कैसे दिखते हैं, यानी कितने सुंदर है वो उस आधार पे बनते हैं कि उनके कर्म कैसे हैं, वो कौन से काम करते हैं और किस आधार पर वो कार्य करें, कितना वो भलाई का कार्य करें, कितना वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये होता है हमारा चरित्र, ये होते हैं हमारे कर्म जो हमें ऊंचा बनाते हैं, जो हमें ऊपर लेकर के जाते हैं, न कि इस आधार पे कि हम सुंदर दिखते हैं या नहीं, न कि इस आधार पे कि हमारा जन्म किस परिवार में हुआ है, हमारे पास कितना धन दौलत है, वो कभी भी आधार नहीं होता मनुष्य के श्रेष्ठ बनने का। ऐसा ही कुछ आज के इस गद्यांश में दिया गया। चलिए पढ़ते हैं इस गद्यांश को और समझते हैं। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात शरीर से अत्यंत कुरूप थे, यानी कि दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे। एक दिन अकेले बैठे वह दर्पण हाथ में लिए हुए अपना मुंह देख रहे थे, यानी कि अकेले बैठे थे, मन में आया होगा, आईना उठाया और खुद को देखने लगे, जैसे कि आप भी कई बार ऐसा करते होंगे। तभी उनका एक प्रिय शिष्य वो उनके कमरे में प्रवेश करता है और सुकरात को दर्पण देखता पाकर काफ़ी आश्चर्यचरित चकित यानी कि हैरान रह जाता है। हैरान क्यों रह गया, क्योंकि उसे लगा होगा कि जब सुंदर ही नहीं है तो दर्पण देखने का क्या फ़ायदा, ऐसा उसने सोचा होगा। वह कुछ बोला नहीं, मात्र मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात ने शिष्य की मुस्कुराहट को देख करके बात समझ ली कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है। कुछ क्षणों के बाद वे बोले, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण जान गया हूँ। संभवतः तुम सोच रहे होंगे कि मुझ जैसा असुंदर व्यक्ति, मुझ जैसा कुरूप व्यक्ति आखिर शीशा आईना क्यों देख रहा है। शिष्य मौन रहा, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसका सिर लज्जा से श्रम से झुक गया, वह धरती की ओर देखता खड़ा रहा। सुकरात ने पुनः बोलना आरंभ किया, वत्स, शायद तुम नहीं जानते कि यह शीशा क्यों देखता हूँ मैं। नहीं गुरुजी, शिष्य ने कहा, मैं कुरूप हूँ इसलिए प्रतिदिन शीशा देखता हूँ। मैं आईना इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ, और शीशा देखकर मुझे मेरी कुरूपता का ज्ञान हो जाता है। मुझे पता चलता है कि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ और मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं प्रतिदिन प्रयत्न करता हूँ कि मैं अच्छे कर्म करूँ, ऐसे कर्म करूँ, ऐसे कार्य करूँ जिससे मेरी कुरूपता ढक जाए। इसलिए मैं आईना देखता हूँ ताकि मेरा जो शरीर है, कुरूपता है, उससे अच्छे अगर कार्य करूंगा तो लोग मेरी कुरूपता को भूल जाएंगे बल्कि मुझे मेरे कर्मों से याद रखेंगे। आज भी हम सुकरात को याद रखते हैं, पढ़ रहे हैं ना, किस लिए पढ़ रहे हैं, उनके कर्मों के कारण पढ़ रहे हैं। अब शिष्य को ये बड़ा शिक्षा प्रद लगा, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, जो उनका तर्क था, उनका जो लॉजिक था, उन्हें अच्छा लगा। किंतु उसने एक स्वाभाविक शंका प्रकट की, यानी कि जैसे शंका मतलब डाउट था, उनको भी एक प्रश्न उठा। उसने पूछा, तब तो गुरु जी जो सुंदर मनुष्य उनको कदापि शीशा नहीं देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सुकरात ने समझाते हुए कहा कि उन्हें भी शीशा अवश्य देखना चाहिए, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें स्मरण रहे कि जितने सुंदर हैं उतने ही सुंदर उनके काम होने चाहिए, उतने ही सुंदर उनको काम करने हैं, अन्यथा बुरे काम उनकी सुंदरता को भी कुरूप बना देंगे। इसलिए चाहे हम सुंदर हैं या फिर सुंदर नहीं है दिखने में, हमारे कर्म है वो सुंदर होने चाहिए। हम कितना आगे जाएंगे, लोग हमें कितना प्यार करेंगे, कितना याद रखेंगे, वो हमारे कर्मों पर, हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। ये थी हमारी वर्कशीट गद्यांश। यहाँ पर कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, गद्यांश में वर्णित शिष्य के गुरु कौन थे। ओके, इसमें जो शिष्य दिए गए उनके गुरु कौन है, तो इसमें पहला विकल्प दिया गया अरस्तु, दूसरा सुकरात, तीसरा गुरु नानक देव जी और चौथा गुरु द्रोणाचार्य। तो इसमें सही विकल्प हमारा खे रहेगा, सुकरात है वो गुरु थे इस गद्यांश के अनुसार। दूसरा हमारा प्रश्न है, गुरु जी ने शिष्य को अपने दर्पण देखने का कारण क्या बताया ताकि वे अच्छे काम कर सकें, पहला विकल्प है। दूसरा, ताकि वे सुंदरता बढ़ाने के उपाय कर सकें। तीसरा, ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें। चौथा, ताकि वे सुंदर बन जाएं। तो इसमें गै सही विकल्प रहेगा, ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें। इससे उन्हें प्रेरणा मिलती थी कि जितने उनका चेहरा उतना सुंदर नहीं है तो वो और अच्छे कर्म करें ताकि वो कुरूपता ढक जाए। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, सुकरात के अनुसार बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को भी क्या बना देते हैं।
जो बुरे क्रम है सुंदर व्यक्ति को क्या बना देते हैं, पहला कमनीय है, दूसरा है निर्भय बना देते हैं, तीसरा कुरूप बना देते हैं, चौथा सहृदय बना देते हैं, गय हमारा सही विकल्प रहेगा कि वो उसे कुरूप बना देते हैं। यानी पहले का आपका कह रहेगा, जो खै रहेगा आपका सही उत्तर, दूसरा है उसका गय रहेगा, और तीसरा है उसका भी आपका गय सही उत्तर रहेगा, सही विकल्प रहेगा। उसके बाद हमारे लिए यहाँ पर चौथा पाँचवा और छठा यानी कि तीन प्रश्न दिए गए और सातवीं जो प्रश्न है वो एक गतिविधि है। चलिए उनको भी हल करते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया, यदि आप गुरुजी के शिष्य होते तो उनसे क्या प्रश्न पूछते। लिखिए कि यदि मैं गुरुजी का शिष्य होता तो उनसे पूछता मन को और अपने कर्मों को कैसे और सुंदर बनाया जा सकता है, कैसे सब लोगों को खुश रखा जा सकता है, क्योंकि खुश रखना, मन को सुंदर बनाना, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, और कर्म कैसे हमारे बेहतर हो सकते हैं ये मैं गुरुजी से अवश्य पूछता। उसके बाद पाँचवा हमारा प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न है गद्यांश को एक उचित शीर्षक दीजिए। तो कई सारे शीर्षक हो सकते हैं, हम यहाँ पर दे सकते हैं मन की सुंदरता या श्रेष्ठ मनुष्य, ये यहाँ के शीर्षक हो सकते हैं इस गद्यांश के। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न है क्या आप गुरुजी के दर्पण देखने के कारण से सहमत हैं, क्यों और क्यों नहीं। ओके, ये क्यों या फिर क्यों नहीं, और क्यों नहीं तो उसके कारण बताने। ओके, यानी कि हाँ या ना बताना, और उसके बाद बताना कि अगर हैं तो क्यों और नहीं है तो क्यों। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यहाँ पे हमें गुरुजी के दर्पण देखने के कारण से मैं सहमत हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी कुल में जन्म लेने अथवा सुंदर होने से श्रेष्ठ नहीं बनता, बल्कि उसे श्रेष्ठ उसके कर्म बनाते हैं, और यही तर्क था गुरुजी के दर्पण देखने का। उसके बाद सातवां हमारा प्रश्न है, सातवां प्रश्न दिया गया एक गतिविधि है कि संसार में कोई भी कुरूप है या कोई सुंदर है। ठीक है, इस संसार में कोई कुरूप है तो कोई सुंदर है, परंतु क्या कुछ ऐसा जो व्यक्ति की कुरूपता और सुंदरता से ऊपर रखता है व्यक्ति को, वह क्या, ये हमें लिखना है। तो हमारा चरित्र और हमारे कर्म है हमें हमारी कुरूपता और सुंदरता से ऊपर रखते हैं, यानी कि हमारा चरित्र और हमारे कर्म है वो हमारी कुरूपता या सुंदरता या जो बाहरी दिखावा है उससे कहीं ऊपर ले जाते हैं मनुष्य को। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।